लो सभी लोग पूछ रहे थे बार बार बीए का रिजल्ट, बीए का एग्जाम डेट। फिर आप लोग पूछ रहे थे बीए, बीएससी, बीकॉम का एग्जाम डेट कब है, कब है, कब है, कब है। लो भैया लो, मैं आप लोग को सब कुछ सर्च करके दिखा रहा हूँ। किस किस चीज़ का चाहिए? पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किस चीज़ का? महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। चलो सबसे पहले दिखाते हैं ये कैसे होता है। एम जी के वी पी, ठीक है। पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाइए, उसके बाद यहाँ पर भाई बीए एग्जाम डेट या ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ का सब कुछ मिलेगा आपको, ओनली ओनली ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सब कुछ। यहाँ पर नीचे चले जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा किस चीज़ का। नीचे जाइए, यहाँ पर बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जो नीचे लिंक चल रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर जितना सब कुछ है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ये सब कुछ है आपके लिए, इसके लिए, या सब कुछ आपके लिए है, ठीक है। यहाँ से अब आपको अगर जाना है सब कुछ के लिए, ये होम का है, फिर यूनिवर्सिटी का है, देन यूनिवर्सिटी का, फिर एकेडमी का, फिर स्टूडेंट का है, फिर यहाँ से सब कुछ का है। तो चलिए मैं एक ही बार में आपको दिखाता हूँ कहाँ गया स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन पर क्लिक करना हो, किस पर? एग्जामिनेशन पर, ओके। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट सब कुछ का दिखाई दे रहा है कि एम कॉम का, फिर एम ए का, फिर बी एस सी का, बी ए का, फिर ऐसा करके बी ए फर्स्ट ईयर का, इन लोगों का सब कुछ, आपको बी एड का सब कुछ का इस पर दिखाई दे रहा है। बस आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपका तुरंत तुरंत मिल जाएगा क्या? एग्ज़ाम डेट, और उस दिन आप जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से है बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, इन सब का, और बीएड का भी, ये सब को पहले एमजी के वी पर दिखा रहा हूँ, उसके बाद सभी यूनिवर्सिटियों का दिखाऊंगा कि कैसे करके, और अनदर यूनिवर्सिटी के लिए कैसे चेक करते हैं। एक ही बार में आपको सब कुछ मिलेगा, टेंशन ना ले। ये देखिए, यहाँ पर एम कॉम का दिखाई दे रहा है, एम कॉम का है, एम कॉम फर्स्ट का 11 जनवरी को और 12 जनवरी को है, किस चीज़ को? एम कॉम थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट और को दिखा रहा हूँ, बैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा बैक हो जा। फिर यहाँ पर है आपका किस चीज़ का, यह है प्राइवेट के लिए। फिर और नीचे जाते हैं एम ए का, फिर उसके बाद नीचे है किस चीज़ का, रुकिए, उसके बाद एम ए का, एम ए का है सेकेंड और फोर्थ का, फोर्थ सेमेस्टर का, इसका देख लीजिए, एम ए का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का, इसका देखिए। सबसे आपके लिए है, मैं आप लोग के लिए इतना वीडियो बना रहा हूँ, देखिए खुल जा, कुछ सेकेंड लेगा, कुछ सेकेंड प्लीज़, फ्यू मिनट, आ गया। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, यहाँ पर एक जगह और लिखा है टाइम टेबल एंड सेंटर लिस्ट, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर भी दिख रहा है टाइम टेबल एंड सेंटर लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ का मिल रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एमएड का, बीए, बीकॉम, बीएससी, फिर ऐसे बीएफए, बीएमयूएस, ऐसे सब कुछ का, सब का मिल रहा है। आप जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए मैंने एक का देखा है, तो एक का मैं दिखा देता हूँ, जो सबसे अधिक सभी लोग पूछते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं, सेकंड सेमेस्टर का निकाल रहे हैं, ठीक है, सेकंड और फोर्थ का, फर्स्ट का तो सभी लोग जानते ही हैं, फोर्थ का निकाल रहे हैं, ठीक है, फोर्थ का देखते हैं, बहुत अच्छा है, आपके लिए दिख जाएगा तुरंत 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 वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम हो बस आप कमेंट कर दीजिए, करिए, उसके मुताबिक मैं आपको वीडियो बना दूंगा, और आप लोग का सिर्फ और सिर्फ हेल्प होता रहेगा। यहाँ पर देखिए सब कुछ जो नीचे दिख रहा है, इतना है सब कुछ, निकालो अपना, खोजो और देख लो ऐसे करके, ठीक है। अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, एमजी के वीपी है, और सारी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब की अब बात होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर ऐसे क्लिक करिए, और डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए। क्लिक कर लिए दोस्त, हम लोग आ गए ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करके होता है इसका काम।
यहाँ पर आप नोटिस पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिस पर क्लिक करने के बाद आपको तुरंत दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा। ऐसे क्लिक करके आप तुरंत वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर आपको तुरंत तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप तुरंत तुरंत अपना चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी आप क्लिक करिए, डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए, नीचे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है और नीचे जाते हैं, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी www.du.ac.in, क्लिक करिए। ओके, क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा आपकी यूनिवर्सिटी और यहाँ पर चले जाएंगे होम पर, सिलेबस पर, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट अपना चले जाइएगा स्टूडेंट पर। स्टूडेंट इसमें नहीं दिखा रहा है तो इसे हम थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे हम लोग क्या करते हैं, डेस्कटॉप साइट करते हैं। उसके बाद सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ बिना कहे पूछे, देख लो दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना होगा, दिखा देते हैं एक एक चीज़ को ऊपर में, अगर आप ऐसा लिखते हैं तब जाकर आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। ये है यूनी डेट्स सीट्स .ac.in BA टाइम टेबल 2019, ठीक है। बस हम लोग इस पर सर्च कर रहे हैं, सर्च करने के बाद हम लोग का आ जाएगा यूनिवर्सिटी डेटा आप DU का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं, यह डेस्कटॉप साइट है, ठीक है। इस पर आपको मिलेगी सभी की सभी जितने भी हैं सब कुछ का, नो टेंशन नो एनी। देख लीजिए जितनी यूनिवर्सिटी है, आंध्रा यूनिवर्सिटी, बिलासपुर, फिर ऐसे करके जितनी है, मुंबई, ये जितनी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटियों का यहाँ पर है। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, ये सब कुछ। रुके थोड़ा ब्राड कर देते हैं, जिसके कारण जब आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, यहाँ थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाल वाल बटन जा रहा है यहाँ पर थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो नीचे एक आएगा 2000 या 1144 पिक्सल, उसे आप 360 पिक्सल पर कर लीजिएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं HD में, ठीक है। ये मतलब जब यहाँ पर थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आएगा प्लेबैक का ऑप्शन, नहीं इस प्लेबैक का नहीं, यहाँ पर एक आएगा 144 लिखा रहेगा, उसे आप 360 कर लीजिएगा, उसके बाद आपको साफ दिखने लगेगा। चलिए ठीक है, इतनी सभी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ठीक है, सब पोर्टल मैंने सब कुछ का लिख दिया है और लिख कर मैंने रख दिया है, अब जिसके जिसका चाहिए वो आप लोग ले लेना। चलिए ठीक है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ओ स्क्रीनशॉट करके आप लोग, अच्छा एक मिनट, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, सबको दिखा रहे हैं, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ब्राड कर लेते हैं, ठीक, ये सभी सभी यूनिवर्सिटियों का है BA का, ठीक, फिर अभी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, फिर इसका यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी का स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। बस ऐसे सर्च करना है गूगल में, तुरंत आपकी यूनिवर्सिटी पर लेकर चलेगा, उसके बाद आप अपना BA का निकाल लेंगे, फिर इसका हो गया। बस चलिए अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ये सब जितनी है BA का मैंने निकाला, अब BCom का निकाल कर दिखाते हैं कि कैसे BCom का देखते हैं, BCom का, BSc का, MA का, BEd का, BTech का, MTech का, जो चीज़ है सबका एग्ज़ाम डेट सब कुछ निकाल कर दिखाएंगे आपके सामने, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, बस आपको ये नहीं चलाने आता है कि करते कैसे हैं, झूठ मूठ का आप लोग टाइम वेस्ट इधर उधर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसका भी। तो मैंने गूगल में क्या सर्च किया, BCom सेकेंड ईयर एग्ज़ाम डेट तो 2009, बस ऐसे क्लिक करना, जो पहली वेबसाइट आएगी क्लिक कर देना, आंसर तुम लोगों के सामने, जो भी यूनिवर्सिटी होगी सभी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल रिजल्ट इतना है, क्लिक करके सभी लोग देख लेना, सब कुछ सही मिलेगा, एक भी गलती फर्जी वर्जी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी सभी यूनिवर्सिटियाँ हैं, देख लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU, इतनी 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 इतनी, ये सभी यूनिवर्सिटी देख ली आप लोग, इतना यूनिवर्सिटी और इतना लिंक, बस क्लिक करो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम टाइम डाउनलोड करो, देख लो। और है दूसरे का आप दिखाते हैं, BEd का दिखाते हैं बहुत आसानी तरीके से। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना यार, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं, बस आप लोग के लिए हेल्प करता हूँ, हेल्प। BEd का देख लो, BEd का दिखा रहे हैं मार्च में होगा, फिर अप्रैल में होगा, ठीक है, BEd का 2019 का, याद कर लिए आप लोग, देख लो कहाँ से होगा,
1 अप्रैल के वीक से, और कब तक होगा? मार्च तक होगा, ठीक है, अप्रैल मार्च तक होगा। और ये अगर जाना हो तो यहाँ पर बीएड 2019 का नोटिफिकेशन पर क्लिक करना आपको मिलेगा, और क्लिक करने के बाद आपको खुशखबरी खुशखबरी। चलिए मैं नेक्स्ट पर चलता हूँ। ये रहा बीएससी का, बीएससी एग्ज़ाम डेट, यहाँ पर क्लिक करना। और यहाँ पर एक मिनट, ये रहा नीचे वाला ऑप्शन, बीएससी टाइम टेबल 2019 फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड और ईयर, ये सब कुछ लिखा है, बस क्लिक करना है। एकदम नीचे चलते चले जाना है, नीचे चलते चले जाओगे तो आपको मिल जाएगा एकदम बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी कि आप लोग खुश हो जाओगे। मिले इतना लिंक, इन सभी लिंकों पर से कोई भी लिंक पर आप क्लिक करोगे एकदम अपनी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।